इंग्लिशों ने दूसरी बार वसूला लगान। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान फिर से हलकान। इंग्लिश टीम ने उधेड़ी पाक गेंदबाजों की बखिया। सिर पर हाथ धर देखते रहे बाबर मुखिया। अपने घर पर नहीं चला कुदरत का निजाम। ग्रीन आर्मी के बॉलर सरेआम हुए बदनाम। पहले 7 मैचों की T20 सीरीज में हुए जलील, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पिटे। अब बारी है टेस्ट मुकाबले की। खुद पर इतना गुमान था कि हमारे गेंदबाज दुनिया के टॉप गेंदबाज हैं, ये भरोसा भी तो अब जाता रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इन्हें हाईवे पिच का बहाना बनाना पड़ रहा है। अगर ऐसा भी है तो इसमें भी तो आपकी ही गलती थी, लेकिन आपको तो अपने गेंदबाज पर घमंड था। क्या हुआ, 2 ही दिन में अंग्रेजों ने खोल दिए धागे। गेंदबाज त्राहिमाम करते आई नजर, टेस्ट को T20 बना डाला। कप्तान और आपकी टीम मैनेजमेंट भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि आखिर इसका जवाब क्या दें। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, जिन्हें फाइनल में पहुंचने का गुमान था। कुदरत के निजाम के सहारे तो वहां पहुंच गए, लेकिन यहां तो कुदरत ने आपको दगा दे दिया। बारिश भी नहीं हुई, अब क्या करोगे। जमीन आपकी, पिच आपकी, लेकिन अंग्रेजों ने तो अब आपको कहीं का ना छोड़ा। पाकिस्तानी लड़ाके गेंदबाजों को तो इंग्लिश टीम ने मसल कर रख दिया। ऐसी कुटाई की कि अब तो उन्हें नींद में भी अपनी बॉलिंग की दुर्दशा के सपने ही आ रहे होंगे। कप्तान बाबर आजम की तो नींद ही गायब हो गई होगी। अब तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि छुपी जाओ अपने घर में। वर्ल्ड कप के बाद दूसरी बार तो अंग्रेजों ने आपको निचोड़ ही दिया है। सरेंडर कर जाओ, इसी में आपकी भलाई है। अब तो इसके मजे भारतीय फैंस ने भी लेने शुरू कर दिए। कहा था ज्यादा मत उड़ो, आपके पंखों में वो ताकत नहीं। गिर गए ना, अब तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब झेलो ट्रोल, अंग्रेज तो हर दिन आपकी क्लास ले ही रहे। तुम तो अपनी धरती पर हो गए बेआबरू। दरअसल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले की शुरुआत रावलपिंडी से हुई। इस मुकाबले में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट मैच को T20 अंदाज में खेलते हुए पहले दिन आंकड़ा 500 रनों के पार पहुंचा दिया था। वो भी तब जब पहले दिन 90 ओवर पूरा नहीं खेला गया। इसके बाद दूसरे दिन भी यह सिलसिला जारी रहा और पाक गेंदबाज अंग्रेजी खिलाड़ियों के हाथों कुटते हुए नजर आए। पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों को इस तरह बेबस देख फैंस ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। पहले दिन 506 रन बनाने के बाद दूसरे दिन इस पारी को आगे बढ़ाने उतरी इंग्लैंड टीम लंच ब्रेक होने से पहले 657 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। लेकिन इस पार जैसे स्कोर को देखते हुए भारतीय फैंस ने भी पड़ोसी टीम के खिलाड़ियों के जमकर मजे लिए। पूरे 112 साल बाद इंग्लिश टीम ने एक कारनामा कर इतिहास रच दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिन में 494 रन बनाए थे। जहां पाकिस्तानी आवाम काफी नाराज नजर दिखाई दे रही है, वहीं भारतीय फैंस उनकी गेंदबाजी पर जमकर मजे ले रहे हैं। इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर आ रहे लगातार ट्विटर रिएक्शन से लगा सकते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान के खराब गेंदबाजी के लिए खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, वहीं इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी टीम को खरी खोटी सुनाते हुए अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसे जानने के बाद अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे यार। शोएब अख्तर ने अपनी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शुक्र इंग्लैंड टीम की तबीयत खराब थी जो कल रिपोर्ट आई, तब 500 रन मारे। ठीक होते तो हमारा बुरा हाल करते। अभी पाकिस्तान के पास T20 फास्ट गेंदबाज है, अभी उन्हें टेस्ट क्रिकेट का तेज गेंदबाज बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ड्रॉ के लिए खेलना है तो 700 रन हो जाएंगे, तो 2 पारियां खेलनी पड़ेंगी जो बेहद दुखद है। ऐसे तो हालात हो गए बाबर एंड कंपनी के, वो भी टेस्ट मैच के पहले ही 2 दिन में। अभी तो आगे और भी दिन बचे। एक बड़ी बात जो हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे वो ये कि रावलपिंडी की ये पिच पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये टेस्ट के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल हाईवे की तरह है। तो जनाब, अब पाकिस्तानियों ने तो यही सोचकर हाईवे बनाया होगा कि हम टॉस जीत जाएंगे, पहले बल्लेबाजी करेंगे और हमारे सभी खिलाड़ी इस ड्राइविंग पिच पर ड्राइव करेंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, आपने तो रेसिंग कार की सड़क बना दी। ड्राइविंग तो अंग्रेजों ने की और आप देखते रह गए। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे, लेकिन आपने तो चमचमाती फर्श बनाई थी अपने लिए। ये अलग बात है कि दूसरा उसका इस्तेमाल कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।